কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাম পর লে থসরে টেনশন আরে কাম পর লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে ঘর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपके लिए चला रहे हैं टॉप एमसीक्यू सीरीज, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। पिछला दो वीडियो आपने देख लिया है, आशा करता हूं वो आपको पसंद आया होगा। उसी क्रम में मैं अपना अगला वीडियो लेकर आया हूं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर और महत्वपूर्ण विषयों पर, उसके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन पर। प्राकृतिक विभाजन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले जान लेते हैं प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ को कैसे बांटा गया है और कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित आप यहां पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के स्थिति पर विचार करें। ठीक, इसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको अपने आंसर तय करने हैं। तो इसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से संबंधित या पूर्वी बघेलखंड के पठार से संबंधित विषयों पर क्या कर लें, एक गहन अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले हम इस छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन पर एक गहन अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कैसे हुआ है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर, किस आधार पर, तो प्राकृतिक आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो चार भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया, तो चार भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ कितने भागों में विभाजित है, तो चार भागों में विभाजित है। पहला चीज आपको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ कितने भागों में विभाजित है प्राकृतिक आधार पर, तो चार भागों में विभाजित है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्षेत्र है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, पहला क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा जो क्षेत्र है हमारा वो है पाट प्रदेश, या छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश जिसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग जसपुर सामरी पाट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है हमारा ये छत्तीसगढ़ के मैदान वाला क्षेत्र है। और जो चौथा सबसे नीचे क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र कौन सा है आपका, तो ये क्षेत्र है आपका दंडकारण्य का पठार। तो पहले देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्या कहला रहा है आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार ये क्षेत्र क्या कहला रहा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब इस क्षेत्र का नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों पड़ा, क्या यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है इसलिए इसका नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार पड़ा, या कोई और कारण है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम क्या किए थे, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। वो हमारा मध्य प्रदेश क्या है, मातृत्व राज्य है, या हमारा मातृ राज्य है। कौन सा प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक पठार है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार है। इस बघेलखंड के पठार का, बघेलखंड के पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक, कौन सा हिस्सा,
जो पश्चिमी हिस्सा है ये अभी वर्तमान में कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के साथ जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक अवस्थाएं हैं वो भी क्या हुई, विभाजित हुई। तो ये जो बघेलखंड का पठार है इसका पूर्वी हिस्सा जो ईस्टर्न एरिया है वो कहां पर आया, छत्तीसगढ़ में आया। इसलिए छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक पठार कौन सा, तो वो पठार है क्या आपका, बघेलखंड का पठार। जब मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो इस बघेलखंड का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा किसको प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। इसी कारण छत्तीसगढ़ का ये जो प्राकृतिक प्रदेश है ये किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश। अब ये छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश है ये किसका हिस्सा है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ के इस दिशा में कौन सा एक राज्य है, तो इस जगह में एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। हमने अपने जस्ट पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा एक राज्य है, तो वह राज्य है झारखंड। झारखंड के अंतर्गत एक पठार है जिस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, क्या है, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के अंतर्गत एक पठार कौन सा, तो छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसका जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है ये क्या है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश कहलाता है। मैं और पीछे जाऊं तो वर्ष 1905 में क्या हुआ था, एक भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था, जिस भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का एक जिला जो कौन था, संबलपुर, वो छत्तीसगढ़ के पांच उड़िया भाषी रियासतों के साथ कहां शामिल हो गया था, तो उड़ीसा प्रांत में शामिल हो गया था। और उसी समय उड़ीसा प्रांत या सॉरी बंगाल प्रांत से कहें हम, तो जो पांच क्षेत्र थे वो पांच क्षेत्र क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किए गए थे, या वो पांच रियासत क्या की गई थी, छत्तीसगढ़ में सम्मिलित की गई थी। वो पांच रियासतें कौन कौन सी थी, तो आपको पता है ये पांच रियासतें कौन कौन सी थी, तो आज वर्तमान का आपका सरगुजा जिला, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और चांगबखार। ये क्षेत्र क्या किए गए थे, छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे 1905 में। तो इसी दौरान छत्तीसगढ़ के जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है वो कब से छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया है, तो 1905 के समय से छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया है। समझ में आ गया। तो छोटा नागपुर के पठार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र क्या है, आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश है। इसके बाद जो मध्य वाला क्षेत्र देख रहे हो इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। और जो सबसे नीचे हिस्सा आपको दिख रहा है बस्तर संभाग वाला, ये हिस्सा कहलाता है दंडकारण्य का पठार। ये हिस्सा क्या कहलाता है, दंडकारण्य का पठार कहलाता है। ये हिस्सा आपका दंडकारण्य का पठार कहलाता है। तो समझ में आ गया, प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ कितने भागों में विभाजित, तो चार भागों में विभाजित। पहला क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड क्यों नाम पड़ा, तो हमारा जो मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक पठार कौन सा आपका, बघेलखंड का पठार। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा है तो मध्य प्रदेश के विभाजन के साथ जो बघेलखंड का पश्चिमी क्षेत्र है वो कहां पर है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही है, परंतु इसका जो पूर्वी भाग है वो कहां पर आ गया, छत्तीसगढ़ में आ गया। इसलिए छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्र को किस नाम से हम जानते हैं, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्या देखें हम, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश किसका हिस्सा, तो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा। छोटा नागपुर पठार कहां पर है, तो झारखंड में है। मतलब छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में है। छोटा नागपुर के सापेक्ष छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और छोटा नागपुर का यही दक्षिण पश्चिम दिशा कहां पर है, अपने पास पाट प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ में है। तीसरा आप क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान।
और चौथा क्या देख रहे हैं आप, दंडकारण्य का पठार। इसके बाद इन चारों चीजों को जानने के बाद हम इन चारों चीजों के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जैसे कि कौन कौन से जिले, कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, कितना प्रदेश प्रतिशत हिस्सा प्रदेश का पूर्वी बघेल के पठार में है, कितना प्रतिशत हिस्सा पाट प्रदेश में है, और कितना छत्तीसगढ़ के मैदान और कितना दंडकारण्य के पठार में है। ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टियां हैं, कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत की उनकी ऊंची चोटियां क्या क्या है, पहले इन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या देखा, चार भागों में छत्तीसगढ़ को बांट दिया है हमने। कौन कौन से वो चार भाग, तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, पहला हिस्सा है आपका क्या, पूर्वी बघेल खंड। पहला हिस्सा क्या, पूर्वी बघेल खंड। दूसरा आपका क्या है, पाट प्रदेश। दूसरा हिस्सा क्या, पाट प्रदेश। तीसरा हिस्सा क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और चौथा हिस्सा क्या है आपका, तो दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। चौथा हिस्सा क्या, दंडकारण्य का पठार। चार चीजें हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जिला कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन से जो जिले हैं वो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, कौन कौन से जो जिले हैं वो पाट प्रदेश के हिस्से हैं, कौन से मैदानी क्षेत्र के हिस्से हैं, और कौन से जो जिले हैं वो दंडकारण्य के पठार के हिस्से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में। जैसा कि आपने मैप में देखा था, तो कौन सा एरिया आपको समझ में आ रहा था, जहां से हमारा आज वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला जिला शुरू हो रहा है, वहां से आप क्या पा सकते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार भी क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जिला आपको क्या ध्यान में रखना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। किससे अलग होकर बना, तो ये बना कोरिया से अलग होकर। तो दूसरा जिला आपका क्या हो गया, कोरिया। तीसरा जिला आपको क्या ध्यान में रखना है, कोरिया के उपरांत सूरजपुर। कोरिया के उपरांत कौन सा, तो सूरजपुर। और सूरजपुर के उपरांत क्या, तो उत्तर पश्चिम बलरामपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर। और इसके अलावा उत्तरी सरगुजा, उत्तरी सरगुजा। ये क्षेत्र क्या है, या ये जिले क्या है, किसके हिस्से हैं, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से हैं। कौन कौन से जिले, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर और उत्तरी सरगुजा। ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं आप, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश है ना। अब देखते हैं अपन कि जो पाट प्रदेश है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल है। तो पाट प्रदेश में आपको ध्यान में रखना है कि जो छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है, जसपुर जिला, ये क्या है, पाट प्रदेश का हिस्सा है। संपूर्ण जो जसपुर शहर है वो क्या है, पाट प्रदेशों पर बसा हुआ है। ठीक, दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या, यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम बलरामपुर वाला क्षेत्र किसमें आ रहा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आ रहा है। इन उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर बाकी बलरामपुर का जितना भी हिस्सा है वो किसमें आएगा, वो आएगा पाट प्रदेश में। मतलब बलरामपुर का जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है वो कहां पर आएगा, तो पाट प्रदेश में आएगा। और तीसरा सरगुजा का भी पाट क्षेत्र, मतलब जो मैन पाट वाला क्षेत्र है वो भी कहां आएगा, तो पाट प्रदेश के अंतर्गत आएगा, सरगुजा का पाट प्रदेश। तीसरा मैदान, मैदान के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर, और दुर्ग। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये तीनों संभाग के सभी जिले, इन तीनों संभाग के सभी जिले। सभी जिलों में एकमात्र शामिल नहीं होगा, जिसको हम अभी आगे देख रहे हैं।
आगे मैं आपको बताता हूं। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में कितने जिले हैं, रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं और दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं दंड कारण्य के पठार पर। तो दंड कारण्य के पठार में आप इजिली बता सकते हैं कि संपूर्ण बस्तर जो संभाग है वो क्या होगा, दंड कारण्य के पठार का हिस्सा होगा। इसके अलावा जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो जिला है वो भी किसका हिस्सा है, तो वो दंड कारण्य के पठार का हिस्सा है। क्लियर हो गया बात ये। अब देखते हैं आगे कि ये जो क्षेत्र है इनका टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, मतलब अगर छत्तीसगढ़ का कुल जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना, तो 1,00,000, यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, ये छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। इस कुल क्षेत्रफल में पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका क्षेत्रफल कितना है, पाट प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है और दंड कारण्य के पठार का क्षेत्रफल कितना है, ये हमको क्या करना है, जानना है, है ना। तो देखते हैं जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका जो क्षेत्रफल है ये है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर में जो 21,863 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है वो किसका है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। दूसरा पाट प्रदेश, तो 6,208 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, मतलब 6,208 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका है, पाट प्रदेश का है। मैदान 68,064 किलोमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है, तो ये किसका है, छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है। इसके अलावा 39,060 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका है, तो ये क्षेत्रफल है दंड कारण्य के पठार का। समझ में आ गया, क्लियर है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रतिशत की ओर कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है, है ना, इसका प्रतिशत कितना है, पाट प्रदेश का प्रतिशत कितना है, मैदान का प्रतिशत कितना है और दंड कारण्य के पठार का प्रतिशत कितना है। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका प्रतिशत है 16.16%, 16.16%। दूसरा पाट प्रदेश, पाट प्रदेश का जो प्रतिशत है ये 4.85% है, कितना है, 4.85%, 4.85%। जो मैदान है मैदान का क्षेत्रफल है 50.34%, 50.34% हिस्सा पूरे छत्तीसगढ़ का, मतलब आधा क्षेत्र किसमें है, तो वो किसमें है, छत्तीसगढ़ के मैदान में है। चौथा दंड कारण्य का जो पठार है इसका जो प्रतिशत है ये है 28.91%, 28.91% क्या है इसका क्षेत्रफल है, मतलब किसका क्षेत्रफल है, दंड कारण्य के पठार का क्षेत्रफल है। आगे हम देखते हैं कि किस किस प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सी चट्टाने मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जो आप देख पा रहे हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, इस पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत जो प्रमुख चट्टान है वो है गोंडवाना। कौन सी चट्टान प्रमुख रूप से पाई जा रही है, तो गोंडवाना चट्टान प्रमुख रूप से पाई जा रही है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, कौन सा चट्टान, तो गोंडवाना चट्टान। दूसरा पाट प्रदेश, पाट प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख चट्टान है वो है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, पाट प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन सी चट्टान, तो दक्कन ट्रैप। इसके बाद क्या है आपका, मैदान, मैदान के अंतर्गत जो प्रमुख चट्टान है वो है कड़प्पा। प्रमुख चट्टान क्या है यहां पे, तो यहां पर प्रमुख चट्टान है कड़प्पा। और जो दंड कारण्य का पठार है यहां पर प्रमुख चट्टान है धारवाड़, धारवाड़ आर्कियन क्रम की चट्टान, ये क्या है, इसकी प्रमुख चट्टाने हैं। चट्टान के बाद हम चर्चा कर लेते हैं यहां पाए जाने वाले खनिजों पर कि कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है वहां पर कौन सा चट्टान, तो गोंडवाना चट्टान। अब ये ऐसा ऑब्वियस है कि जहां पर भी गोंडवाना चट्टान होगा वहां पर नेचुरली खनिज क्या पाया जाएगा, तो यहां पर कोयला मुख्य रूप से खनिज
पाया जाएगा। इसके अलावा भी और खनिज पाए जाएंगे, लेकिन मुख्यतः खनिज क्या है आपका, तो कोयला है। दूसरा पाट प्रदेश, पाट प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन सा खनिज, तो बॉक्साइट क्या है यहां का प्रमुख खनिज है। मैदान, मैदान के अंतर्गत चूना पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये क्या है मैदान के अंतर्गत प्रमुख क्या है खनिज। अगला दंडकारण्य, दंडकारण्य के अंतर्गत कौन सा, धारवाड़ चट्टान, और धारवाड़ चट्टान जहां पर भी रहेगा वहां पर मुख्य रूप से कौन सी खनिज पाई जाएगी, तो लौह अयस्क पाई जाएगी। लौह अयस्क मुख्य रूप से कौन सी खनिज, तो यहां पर लौह अयस्क पाई जाएगी। खनिज, खनिज के बाद हम चर्चा कर लेते हैं आगे मिट्टी के बारे में, कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो पूर्वी बघेल खंड का पठार है यहां पर मिट्टी पाई जाती है लाल पीली, कौन सी मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है पूर्वी बघेलखंड के पठार में, कौन सी मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी है, लेकिन पूछा जाता है कि किस प्रकृति का है, तो ध्यान रखना जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में जो मिट्टी है लाल पीली, इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। क्यों अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से खनिज क्या पाया जा रहा है, कोयला, और कोयले की प्रचुरता के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय क्यों, क्योंकि कोयले की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। भरोसा ना हो तो आप टेस्ट कर देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कोयले की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। इसलिए जो इस क्षेत्र में मतलब पूरी बघेलखंड के पठार में मिट्टी पाई जा रही है आपकी लाल पीली मिट्टी, इसकी भी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं पाट प्रदेश की ओर। पाट प्रदेश की ओर जो मुख्य मिट्टी है वो है लेटेराइट। लेटेराइट पाट प्रदेश में मुख्य मिट्टी कौन सी, तो लेटेराइट क्या है यहाँ की मुख्य मिट्टी है। इसके बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान में, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में भी मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी ही है। लाल पीली मिट्टी, परंतु इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय है। आप ध्यान रखना क्षारीय क्यों है, तो इसका कारण है यहां पर प्राप्त या इसके धरातल के अंतर्गत मौजूद चूना पत्थर। चूना पत्थर किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसी क्षारीय प्रकृति के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, उसकी भी प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय है। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत और पश्चिमी सीमांत वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत जो मुख्य मिट्टी है वो है लाल रेतीली, लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। लाल रेतीली और लाल पीली मिट्टी, मुख्य मिट्टी कौन कौन सी, तो लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। कहां पर पाई जा रही है, तो दंडकारण्य के पठार में पाई जा रही है। क्लियर हो गया। इसके अलावा सभी प्राकृतिक प्रदेश की ऊंची चोटियों में से कौन कौन शामिल है, किस प्राकृतिक प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना आप जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़ चोटी। देवगढ़ चोटी जिसकी हाइट है कितनी, 1033 मीटर। कितनी है हाइट इसकी, 1033 मीटर। और अभी किस जिले में है ये, तो ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। इससे पहले ये देवगढ़ की चोटी कोरिया जिले के अंतर्गत आती थी। अभी वर्तमान में कौन से जिले में है ये, तो ये आपके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। ठीक है, क्या है आपकी, गौरलाटा। और जो गौरलाटा है इसकी हाइट है 1225 मीटर। ठीक है, कितनी है, 1225 मीटर। और ये जो गौरलाटा है ये वर्तमान
बलरामपुर जिले में स्थित है। गौर लाटा चोटी कहां पर? तो ये बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला है मैदान। मैदान की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी क्या? तो बदरगढ़। और बदरगढ़ की हाइट कितनी? तो 1176 मीटर। बदरगढ़ की हाइट कितनी है? 1176 मीटर है। और बदरगढ़ कहां पर है? तो ये कवर्धा जिले में है। फिर है आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार की ऊंची चोटी है नंदीराज। नंदीराज, नंदीराज कितना हाइट इसका? तो इसका हाइट है 1210 मीटर। और ये नंदीराज जो चोटी है ये दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक, कौन से जिले में है? तो दंतेवाड़ा जिले में है। क्लियर है यहां तक की सभी चीजें? समझ में आ गया आपको? छत्तीसगढ़ कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बंटा है? तो चार। कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश? पहला क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, चौथा दंडकारण्य का पठार। इस चार प्रदेशों में क्या है? छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से विभाजित है। इन चार प्रदेशों में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है आपका, उसमें कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं बोलिएगा आप मेरे साथ। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर। बलरामपुर का संपूर्ण हिस्सा नहीं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको? उत्तर पश्चिम बलरामपुर, इसके अलावा उत्तरी सरगुजा क्षेत्र। मतलब बलरामपुर और सरगुजा का संपूर्ण क्षेत्र क्या नहीं होगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं होगा, परंतु मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर के संपूर्ण क्षेत्र क्या होंगे? पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा होंगे। दूसरा है क्या आपका? पाट प्रदेश। तो पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले? तो जसपुर जिला पूरी रूप से, इसके अलावा बलरामपुर। बलरामपुर का कौन सा हिस्सा छोड़कर? तो उत्तर पश्चिम हिस्सा छोड़कर। इसके अलावा कौन सा? सरगुजा। सरगुजा का कौन सा हिस्सा छोड़कर? उत्तरी हिस्सा छोड़कर। बाकी जितने भी क्षेत्र है, सरगुजा का जो पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से मैन पाट वाला जो क्षेत्र है, वो किसका हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश का हिस्सा है। तीसरा आप क्या देख रहे हैं? मैदान। मैदान के अंतर्गत क्या क्या? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिले, लेकिन किसको छोड़कर? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को छोड़कर। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है। और आपको मैंने क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है कि आपको बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों के नाम बताने हैं। अभी कौन कौन से जिले किस किस संभाग में है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितना है क्षेत्रफल? तो 21,863 किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का है। पाट प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? तो 6,608 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल कितना? तो 6,064 किलोमीटर स्क्वायर। और दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल कितना? तो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16% या 16.16%। दूसरा, पाट प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 4.85%। राउंड फिगर अगर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए कि 5% है, 8% है, 10% है, तो आप इसको 5% भी लगा सकते हैं। मैदान का क्षेत्रफल कितना? तो 50.34%। और दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल कितना? तो 28.91%। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है। आगे फिर चट्टाने। चट्टान पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन सी? तो गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान है तो स्वाभाविक रूप से कौन सा खनिज मिलेगा? कोयला। मतलब मुख्य खनिज क्या होगा इस क्षेत्र का? कोयला। दूसरा, पाट प्रदेश के अंतर्गत क्या? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है तो हमेशा कौन सा खनिज प्राप्त होगा आपको? तो हमेशा वहां से बॉक्साइट खनिज प्राप्त होगा। इसके अलावा कड़प्पा। कड़प्पा चट्टान में क्या? चूना पत्थर। और धारवाड़। धारवाड़ चट्टानों से क्या? आपका लौह अयस्क। ये आपको पत्थर और खनिज क्या करना है? एक साथ देखकर याद रखना है। अगला हम देखे थे मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहां पर पाई जा रही है? पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, परंतु उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। क्यों अम्लीय है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य खनिज क्या है? कोयला। और कोयले की प्रकृति भी कैसी है? अम्लीय है। इसलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जा रही है, लाल पीली मिट्टी, उसकी भी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। फिर क्या? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है ये कहां पाई जा रही है? तो ये पाट प्रदेश में पाई जा रही है। दूसरा क्या? मैदान। मैदान के अंतर्गत कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, परंतु प्रकृति कैसी? क्षारीय। क्यों क्षारीय है? क्योंकि यहां पर क्या है आपका खनिज? चूना पत्थर। और चूना पत्थर की प्रकृति कैसी? तो क्षारीय। इसलिए यहाँ की मिट्टी की प्रकृति भी कैसी? क्षारीय। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत कौन सी मिट्टी? तो लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। अभी हम अपने आने वाले वीडियोस में, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अपनी कक्षाओं में, तो हम इन सभी चीजों के बारे में, मिट्टी के बारे में,
चट्टानों के बारे में, खनिजों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जितने भी छत्तीसगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कि देवगढ़ की चोटी है, कौन से पर्वत का हिस्सा है, ठीक है, गौरलाता कौन से पर्वत या किस पार्ट प्रदेश का हिस्सा है, बदरगढ़ कौन से क्षेत्र में है या नंदीराज कौन से क्षेत्र में, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं, मेरे को उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वी बघेल खंड के पठार की स्थिति पर विचार करें। ये ओवरलैप हो गया, ध्यान दें आप क्या लिखना है यहाँ पर, पूर्वी बघेल खंड के पठार की स्थिति पर क्या करना है आपको, विचार करना है। क्या कहा जा रहा है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल 21,800 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा क्या बोल रहा है, इस प्राकृतिक प्रदेश में डोरसा मिट्टी पाई जाती है। और चौथा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख खनिज क्या है, तो बॉक्साइट है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये चार आपको क्या दे दिए हैं ऑप्शन। अब इसमें आपको क्या जानना है, असत्य कथनों की पहचान करनी है, ठीक है। कैसे कथनों की पहचान करनी है, तो असत्य कथनों की पहचान करनी है, मतलब इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो असत्य है। ऑप्शन क्या दिया है आपको, ए में दिया है एक और दो, बी में दिया है ये एक और आप तीन कर लीजिए इसको, है ना, एक और तीन। बी में क्या दिया है आपको, एक और दो। सी में दिया है आपको एक, तीन और चार। और डी में दिया है कि सभी असत्य हैं। तो अब एक एक करके, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो इन सभी पॉइंट्स पर क्या करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप क्या कर लिए होंगे, अभी तक इसका आंसर लगा लिए होंगे। नहीं लगाए होंगे तो आप अभी लगा लीजिए, मैं फिर एक एक पॉइंट्स पर क्या करता हूं, एक एक करके चर्चा करता हूं। पहला है क्या, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। क्या है ये, बिल्कुल नहीं है। यह जो पॉइंट है ये क्या है, गलत है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। अभी ही हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्या है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 68,064 किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 50.34% है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, आप गलत हो गया। दूसरा, इसका क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, पूर्वी बघेल खंड के पठार का क्षेत्रफल 21,800 किलोमीटर स्क्वायर है। अभी बस जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल 21,800 किलोमीटर नहीं, 21,863 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 21,863 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तीसरा, इस प्राकृतिक प्रदेश में डोरसा मिट्टी पाई जाती है, गलत। अभी हमने देखा कि इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है आपकी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चौथा क्या, इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज बॉक्साइट है क्या, नहीं है। इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज क्या है, तो कोयला है, ठीक है, क्या है, कोयला है। तो चारों ऑप्शन क्या है यहां पर, गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी क्या है, असत्य है। इसमें जितने भी पॉइंट्स है क्या है, असत्य है, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। परंतु अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा डोरसा मिट्टी के बारे में आपको बता देता हूं। हालांकि आगे जब मिट्टी वाला अपना वीडियो आएगा उसमें हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो डोरसा मिट्टी है आपकी, ये डोरसा मिट्टी लाल पीली एवं काली मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। लाल पीली एवं काली मिट्टी का मिश्रण है। और ये छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण और दंडकारण्य के पठार के उत्तर का जो क्षेत्र है, या दोनों का जो मिलन बिंदु वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है ये पाया जाता है। और धान की फसल के लिए क्या होता है, ये मिट्टी उपयुक्त तो होता है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब मिट्टी वाला हमारा वीडियो आएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा, पूर्वी बघेल खंड की प्राकृतिक स्थिति पर निम्न कथनों से विचार करें, या निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन दिए हुए हैं, इस क्षेत्र में औसत तापमान क्या पूछा जा रहा है, इस क्षेत्र में औसत तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
दूसरा कहा जा रहा है यहाँ क्षारीय प्रकृति की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा बोला जा रहा है इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज कोयला नहीं है। चौथा बोला जा रहा है इसका 25% से अधिक क्षेत्र वनों का है। क्या बोला जा रहा है? 25% से अधिक क्षेत्र वनों का है। अब आपको क्या जानना है यहाँ पर, तो सत्य कथनों की पहचान करनी है। आपको क्या करनी है? सत्य कथनों की पहचान करनी है कि कौन कौन से कथन सत्य है। देखते हैं इस क्षेत्र का औसत तापमान कितना है, 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिल्कुल यह सही है कि इस क्षेत्र का जो औसत तापमान है वो कितना होता है, तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्षारीय प्रकृति की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जस्ट अभी चर्चा किया था हमने, लाल पीली मिट्टी तो पाई जाती है लेकिन प्रकृति कैसी है उसकी, तो क्षारीय नहीं है। प्रकृति कैसी है? पूरी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत जो लाल पीली मिट्टी है इसकी प्रकृति है अम्लीय। अम्लीय होने का कारण क्या, क्योंकि वहां पर मुख्य खनिज क्या है, तो कोयला है। और जहां पर भी कोयला रहेगा तो कोयले की प्रकृति कैसी, अम्लीय। तो वहां पर मिट्टी की प्रकृति क्या हो गई है, अम्लीय हो गई है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज कोयला नहीं है। देखो ध्यान देना आपको, इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज कोयला नहीं है बोल रहा है, कोयला है नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोयला नहीं है बोल रहा है। तो कोयला तो इस क्षेत्र का क्या है, प्रमुख खनिज है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्लियर। चौथा क्या बोल रहा है, इसका 25% से अधिक क्षेत्र वनों का है, मतलब इसके 25% से अधिक क्षेत्रों में क्या है, वन पाए जाते हैं। ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका लगभग 40% हिस्सा क्या है, वन है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का लगभग कितना हिस्सा वन है, तो 40% हिस्सा वन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पाट प्रदेश के हिस्से हैं वो पाट प्रदेश के हिस्सों में 50% क्षेत्र वनों का है, और छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत सिर्फ 25% वन है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन दंडकारण्य के क्षेत्र में कितना है, तो लगभग 80% वन है। तो दुर्ग राजनांदगांव वालों आपको पेड़ लगाने हैं। ठीक है, जितने भी लोग एक एक पेड़ लगाओगे तो हमारे भी वन संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, या वृक्षावरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आपको क्या करने हैं, एक एक पेड़ लगाने हैं, ये आप लोग के लिए टास्क है। कोको आपको फ्री क्लास दे रहे हैं, तो उसके बदले आपको क्या करना है, एक पेड़ लगाना है, और उस पेड़ को सिर्फ लगाकर छोड़ नहीं देना है मरने के लिए, उसको क्या करना है, आपको पूरा बड़ा भी करना है। ये आपके लिए क्या है, एक टास्क है, या आपका एक कार्य है, और कार्य के साथ आपका एक कर्तव्य भी है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं आपको, सत्य कथनों की पहचान करें। तो कौन सा कथन सत्य है, एक तो पहला कथन सत्य है, और दूसरा क्या, चौथा कथन सत्य है। तो पहला और चौथा कहां पर दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। क्लियर, तो पहला और चौथा कहां पर दिख रहा है, सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कन्हार नदी बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, कन्हार नदी बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो जो कन्हार नदी बेसिन है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है, कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है, कि महानदी बेसिन का हिस्सा है। अब ये जो कन्हार नदी आप देख रहे हैं, हालांकि नदियों के ऊपर हमारा एक वीडियो पूरा रहेगा, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि नदी का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में एक बड़ा चैप्टर है, तो एक से अधिक वीडियो भी हो सकते हैं, आगे उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो आप कन्हार नदी देख रहे हैं, ये जो कन्हार नदी है ये बखौना चोटी से निकलता है, बखौना चोटी, ठीक, बखौना चोटी से निकलकर जसपुर, जसपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या करता है, कन्हार बेसिन का निर्माण करता है। बेसिन किसको बोलते हैं, तो नदियों का वह क्षेत्र जो अत्यधिक चौड़ा है और उसमें क्या है, जल भराव है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कन्हार नदी है ये कहां पर अपना बना रहा है बेसिन, तो बलरामपुर में बना रहा है, और बलरामपुर के किस हिस्से में बना रहा है, जिस जो हिस्सा पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है उसी हिस्से में कन्हार नदी क्या करता है, कन्हार बेसिन का निर्माण करता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्लियर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा, पूर्वी बघेलखंड के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार करें। पूर्वी बघेलखंड के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार करना है आपको। कितने तथ्य दिए हुए हैं, तो टोटल 5 तथ्य आपको दिए हुए हैं, इस पर क्या करना है आपको, विचार करना है। ठीक है, कौन कौन सा है तथ्य, क्या बोल रहा है, यह महानदी के अपवाह तंत्र एवं सोन गंगा अपवाह तंत्र
के मध्य जल विभाजक पर्वत है। पूर्वी बघेलखंड का पठार क्या है तो महानदी अपवाह तंत्र और सोनगंगा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक पर्वत है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इसका उपनाम सरगुजा बेसिन है। तीसरा बोला जा रहा है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा जिले का संपूर्ण क्षेत्र क्या है, सरगुजा जिले का संपूर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है इस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। और पांचवा बोल रहा है इस या बघेलखंड का जो पठार है उस बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। लगभग सभी चीजों पे अभी हमने चर्चा किए थे, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है महानदी अपवाह तंत्र एवं सोनगंगा अपवाह तंत्र के मध्य क्या है, ये जल विभाजक पर्वत है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। महानदी अपवाह तंत्र और सोनगंगा अपवाह तंत्र के मध्य क्या है, ये जल विभाजक पर्वत है। इसी पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत जितने भी पर्वतीय क्षेत्र है उसके कारण जो महानदी का जो प्रवाह है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में न होकर कहां मुड़ जाता है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है। और जो सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो जो नदियां हैं वो वहीं से क्या होती है, छत्तीसगढ़ से बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में चली जाती है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है ये क्या करता है, महानदी एवं सोनगंगा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। दूसरा इसका उपनाम सरगुजा बेसिन है, यह भी बिल्कुल सही है, इसका उपनाम क्या है, सरगुजा बेसिन है। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पर्वत है और पर्वतों से जितनी भी नदियां निकल रही हैं वो सब क्या हो रहा है, सरगुजा संभाग के इर्द गिर्द ही क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा जिले का संपूर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार है। अभी ही हमने जस्ट देखा था कि जो बलरामपुर है और जो सरगुजा है इसका संपूर्ण क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है, अभी आपको पता है ये चीजें। लेकिन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले का संपूर्ण क्षेत्र किसका हिस्सा है, तो वो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। लेकिन बलरामपुर और सरगुजा जिले का संपूर्ण क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं इस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल क्या है, उत्तर की ओर है, यह भी बिल्कुल सही है। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसका ढाल किस ओर है, तो उत्तर की ओर है। पांचवा बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग होने के कारण यह क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। जस्ट अभी हमने देखा था कि बघेलखंड का जो पठार कहां है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के विभाजन जब हुआ और जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तब उस समय जो बघेलखंड का पूर्वी भाग है वो कहां पर आया, छत्तीसगढ़ में आया, और वही क्षेत्र को हम आज किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। आंसर लगा लिए होंगे अभी तक आप, क्या बोल रहे हैं, सत्य कथनों को छांटिए, क्या है, 1, 2, 3 सही है, 3, 4 और 5 सही है, 1, 2, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 4, 5 सही, मतलब सभी सही है। तो सब तो सही है नहीं, एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, मतलब जहां पर तीसरा नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा कहां पर नहीं है, ये है सी, 1, 2, 4 और 5 जो कथन है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार के संबंध में क्या है, सही है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाट प्रदेश से, आपको छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के विषय में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन कौन से कथन छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के संबंध में सत्य है या कौन से कथन जो है वो असत्य है। पहला, यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृति हो गया है, इसको आप क्या करेंगे, प्राकृतिक करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है, प्राकृतिक प्रदेश है, जो कुल प्राकृतिक प्रदेशों का 8% हिस्सा है, जो कुल प्राकृतिक प्रदेशों का 8% हिस्सा है। ये पहला क्वेश्चन है, यह पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल 6208 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा क्या बोल रहा है, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कॉफी, तंबाकू इस क्षेत्र के क्या है, प्रमुख फसल है। और चौथा क्या बोल रहा है, गौरलाटा इसकी प्रमुख एवं सबसे ऊंची चोटी है। इन कथनों पर क्या करना है, अपने को विचार करना है। मैंने बताया था चारों प्राकृतिक प्रदेशों के क्षेत्रफलों के बारे में, उनके प्रतिशतों के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारों प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना कितना, तो 21,863 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का। दूसरा आपने क्या देखा, पाट प्रदेश, पाट प्रदेश का आप देख रहे हैं 6208 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, तो पाट प्रदेश का है। तीसरा आपने क्या देखा था, 6864 किलोमीटर स्क्वायर महानदी अपवाह तंत्र का।
और चौथा आपने क्या देखा था, दंडकारण्य के पठार का 39,060 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो किसका पार्ट प्रदेश का हिस्सा था, सॉरी कौन से प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा था, तो दंडकारण्य का हिस्सा था, देख लिया था आपने। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 62,08 किलोमीटर स्क्वायर है और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। तो इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये क्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। लेकिन क्या बोला जा रहा है इसी लाइन में, जो कुल प्राकृतिक प्रदेशों का 8% हिस्सा है। तो कुल प्राकृतिक प्रदेश का 8% हिस्सा नहीं है, आपने अभी जस्ट देखा था कि कुल प्राकृतिक प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो 4.85% हिस्सा ये कवर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। पहले ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 62,08 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा क्या बोल रहा है, टमाटर स्ट्रॉबेरी कॉफी तंबाकू इस क्षेत्र के प्रमुख फसल है, बिल्कुल यह सही है। जो टमाटर है स्ट्रॉबेरी है जितने भी बागानी फसलें हैं वो कौन से क्षेत्र में होती है, तो पाट प्रदेश क्षेत्र में होती है। और गौरलाटा इसकी प्रमुख एवं सबसे ऊंची चोटी है। देखा था हमने गौरलाटा किसका हिस्सा था, तो पाट प्रदेश का हिस्सा था। और गौरलाटा की हाइट कितनी है, 1225 मीटर है। और गौरलाटा ही क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, सही हो जा रहा है। तो कौन कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन कहां पर है, तो ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं है। ऑप्शन में आपको क्या विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है। एक को छोड़कर सभी सत्य हैं, दो को छोड़कर सभी सत्य हैं, तीन को छोड़कर सभी सत्य हैं और सभी असत्य हैं, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है ये आपको जानना है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन करेक्शन दिख रहा है मेरे को, सॉरी ऑप्शन करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, आप इसको ध्यान में दीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो एक को छोड़कर सभी कथन असत्य है, दो को छोड़कर सभी कथन असत्य है, कि सभी सत्य है, कि सभी क्या है असत्य है। तो आप ध्यान दीजिए, सिर्फ एक ही क्या है यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। एक छोड़कर सभी क्या है, सत्य है। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, यहां तक तो सही था। लेकिन ये कुल प्राकृतिक प्रदेशों का 8% हिस्सा नहीं है, कितना प्रतिशत हिस्सा है, 4.85% हिस्सा है। बाकी दो तीन और चार क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्रफल 62,08 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। टमाटर स्ट्रॉबेरी कॉफी तंबाकू इस क्षेत्र के क्या है, प्रमुख फसल है। और गौरलाटा क्या है, इसकी प्रमुख एवं सबसे ऊंची चोटी है। ये तीनों क्या है, सही है। मतलब एक छोड़कर बाकी सभी क्या है, सत्य है। ऐसे ऑप्शन में भी आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो अब ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से देखकर लगाइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पाट प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी यहां पर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है कि पाट प्रदेश के संबंध में कौन सा जो कथन है वो क्या है, असत्य है। पाट प्रदेश के संबंध में आपको क्या जानना है कि कौन सा जो कथन है वो क्या है, असत्य है, ठीक। पाट प्रदेश इसके अंतर्गत कौन सा जो क्षेत्र है वो क्या है, असत्य है, या कौन सा कथन जो है वो क्या है आपका, असत्य है। पहला, पाट प्रदेश पाट प्रदेशों की जो भूगर्भिक संरचना है वो दक्कन ट्रैप से निर्मित है। दूसरा, जो यह प्रदेश जो है यह प्रदेश का सबसे छोटा एवं ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है। तीसरा, लैटेराइट यहां प्रमुख मिट्टी है। और चौथा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में आलू की खेती नहीं होती। इसमें क्या जानना है आपको, तो इसमें जानना है आपको क्या, इसकी असत्य कथा, ठीक है। तो पाट प्रदेशों का भूगर्भिक संरचना किसने बना है, तो दक्कन ट्रैप से बना है, बिल्कुल सही। हमने देखा था कि इसमें मुख्य चट्टान क्या है, तो दक्कन ट्रैप था। दूसरा क्या बोल रहा है, सबसे छोटा एवं ऊंचा प्राकृतिक प्रदेश है, बिल्कुल सही है। कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 62,08 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे ऊंचा है, कौन सी चोटी है इसमें, तो गौरलाटा चोटी है। गौरलाटा चोटी कितने मीटर है, तो 1225 मीटर है। और 1225 मीटर के साथ ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा क्या है, लैटेराइट यहाँ की प्रमुख मिट्टी है, बिल्कुल सही। लैटेराइट क्या है, यहाँ की प्रमुख मिट्टी है। और चौथा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में आलू की खेती नहीं होती, यह गलत है, ठीक है। असत्य कथन क्या है,
कि आलू की खेती नहीं होती, इस क्षेत्र के अंतर्गत आलू की खेती होती है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती है, तो आलू की खेती इस क्षेत्र के अंतर्गत होती है। ठीक है, आलू की खेती इस क्षेत्र के अंतर्गत होती है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आलू के अलावा पाट प्रदेश के अंतर्गत और कौन कौन से चीजों की खेती होती है, तो आप ध्यान रखना कि जो पाट प्रदेश है ना, इन पाट प्रदेशों में आपको बता देता हूं मैं, इन पाट प्रदेशों में मुख्य रूप से पाट प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल, इन प्रमुख फसलों में आप ध्यान में रखना, प्रमुख फसलों में आपको ध्यान में रखना है, पहला चाय, कॉफी, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू, टमाटर, तंबाकू, सफेद मूसली, ये यहाँ की क्या है, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के अंतर्गत मुख्य फसलें हैं। सफेद मूसली की विशेष रूप से जो खेती है वो वर्तमान में मैन पाट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ध्यान में रखना आपको क्या क्या, चाय, कॉफी, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू, टमाटर, तंबाकू और सफेद मूसली, ये क्या है यहाँ के मुख्य रूप से फसलें हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, इसको आप इजी बना लेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है और छोटा नागपुर के पठार के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, ये दोनों को बनाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या है ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार मैं फिर से इस पे चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि हमने देखा था कि यह हमारा छत्तीसगढ़ था, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ के सापेक्ष जो झारखंड है वो कहां है, इस क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष झारखंड कहां है, उत्तर पूर्व में है, और झारखंड में ही क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार। तो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष जो झारखंड है वो कौन से दिशा में है, उत्तर पूर्व में, और झारखंड में ही आपका कौन क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार है। तो झारखंड उत्तर पूर्व में, तो छोटा नागपुर का पठार भी कहां, उत्तर पूर्व में। तो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष छोटा नागपुर का पठार कहां स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर है, यही आपको पूछ लेता कि छोटा नागपुर के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, या छोटा नागपुर के सापेक्ष छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, तो कौन से दिशा में है छोटा नागपुर के सापेक्ष, छत्तीसगढ़ यहां दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाता है। किस दिशा में आ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाता। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में पाट प्रदेश का विस्तार नहीं है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, किस जिले में पाट प्रदेश का विस्तार नहीं है। चार ऑप्शन दिए आपको, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, किस जिले में पाट प्रदेश का विस्तार नहीं है। तो आपने देखा था कि जो पाट प्रदेश है, ये पाट प्रदेश यहाँ जसपुर, ठीक, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के यहाँ पर मैप ही बना लू, तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया, ये जसपुर है। जसपुर का संपूर्ण क्षेत्र क्या हो रहा था, पाट प्रदेश का हिस्सा था। इसके ऊपर हम क्या देख रहे थे, बलरामपुर जिला है।
और बलरामपुर छीला का जो उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र है ये किसमें आ रहा था, तो ये कहाँ पे आ रहा था, ये आ रहा था आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार में। परंतु बलरामपुर का और बाकी जो हिस्सा है वो किसमें आ रहा था, तो ये पाट प्रदेश के अंतर्गत आ रहा था। इसके अलावा सरगुजा, यहाँ पर क्या है आपका, सरगुजा है, और सरगुजा का जो उत्तरी क्षेत्र है ये किसमें आ रहा था, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र किसमें आ रहा था, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आ रहा था। और नीचे सरगुजा का जितना भी क्षेत्र है ये, ठीक है, ये पाट प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो किसमें आ रहा था, तो वो किसमें आ रहा था, आपके पाट प्रदेश के अंतर्गत आ रहा था। तो आपको नजर आ गया बलरामपुर यहाँ पर ऑप्शन में है ही, ठीक है, तो बलरामपुर को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पूछ रहे हैं आपको कि पाट प्रदेश का विस्तार कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है, तो बलरामपुर में तो है, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। सरगुजा भी दिख रहा है आपका, सरगुजा में भी है, तो सरगुजा भी कट गया। और जसपुर तो पूरा जो जिला है वो किसमें बसा हुआ है, पाट प्रदेश में बसा हुआ है, उसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक जिला क्या बच गया आपका, सूरजपुर, यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। सूरजपुर में हमने देखा था कि मनेंद्रगढ़, सिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर, ये संपूर्ण जिले किसके हिस्से थे, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के हिस्से थे। क्लियर है यहां तक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व दिशा में है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल क्या है, पूर्व दिशा में है, इसका प्रमाण क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, पढ़ लेते हैं। पहले, मैदानी भाग में धान की फसल अत्यधिक होती है। दूसरा बोल रहा है, मैदानी क्षेत्र की नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा बोल रहा है, मैदानी क्षेत्र की नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और चौथा बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। अब पूछ क्या रहा है आपको, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल पूर्व दिशा में है, इसका क्या प्रमाण है। मेरे को लगता है इसको तो आप लोग आराम से बना ही लेंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेरे ऑप्शन के पढ़ने से पहले ही ऐसा उम्मीद है मेरे को कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, यहाँ पे आप अपना आंसर लगा चुके होंगे, ठीक है। पहला क्या बोल रहे हैं, मैदानी भाग में धान की फसल अत्यधिक होती है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि छत्तीसगढ़ का ढाल किधर है, पूर्व है कि पश्चिम है, उत्तर है दक्षिण है, कि धान की फसल वहां पर अत्यधिक होगी, ठीक है, धान की फसल से इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक, कि मैदानी भाग में धान की फसल अत्यधिक होती है, ये इस बात का तो प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि यहाँ की जो नदियां वो कहां बह रही है, पूर्व दिशा की ओर बह रही है। अगला बोल रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है और मैदानी क्षेत्र में नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है। अब इसमें भी क्या डिसाइड करना है, जिधर ढाल रहेगा पानी क्या होगी, उधर ही बहेगी, जिधर ढाल होगा पानी क्या होगी, उधर ही बहेगी। कभी देखा है क्या आपने कि मैदानों से निकलकर नदी जो है जाकर पहाड़ों पर चढ़ जा रही है, ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, हमेशा नदी पहाड़ों से या पठारों से, पाटों से निकलती है, उसके बाद आकर वो क्या होती है, नीचे समतल मैदानों पर बहती है। तो छत्तीसगढ़ का ढाल कहाँ है, या छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका ढाल कहाँ है, पूर्व की ओर है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत जो नदियां हैं वो क्या होती है, पूर्व की ओर बहती है। यही इस बात का प्रमाण है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका ढाल कहाँ है, पूर्व की ओर है। प्रमुख रूप से उदाहरण में अगर आप देखें तो जो महानदी है और वो जो शिवनाथ नदी है, महानदी शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख नदियां, और दोनों नदी कहां पर है, मैदान से निकल रही है और कहां पर प्रवाहित होती है, तो लगभग लगभग पूर्व दिशा की ओर पूरी वो प्रवाहित होती है। ये इस बात का क्या है, प्रमाण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, क्लियर है यहाँ पे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दसवां, छत्तीसगढ़ के मैदान के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, दिया है आपको ऑप्शन चार्टो, देखते हैं इन पर। पहला क्या बोल रहे हैं कि जो शिवनाथ पार का मैदान इसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा है, क्या बोल रहे हैं, शिवनाथ पार का मैदान इसका हिस्सा है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। और चौथा क्या बोल रहा है, चूना पत्थर की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। ये चार पॉइंट दिए हैं आपको, और क्या जानना है आपको, इनमें से असत्य कथन को छांटना है। ठीक है, इनमें क्या करना है आपको, असत्य कथन को छांटना है। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए दिया है चौथा असत्य है, बी दिया है दूसरा असत्य है, सी दिया है पहला असत्य है, और डी दिया है कि तीसरा असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं, ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, आप यहां पर अपना आंसर लगा लीजिए, मैं इस पर चर्चा करता हूं, फिर मेरे चर्चा करते तक आप अपना आंसर यहां पर रेडी रखिएगा।
पहला क्या बोल रहा है, शिवनाथ पार का मैदान इसका हिस्सा है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। शिवनाथ नदी का जो पार का जो मैदान है, शिवनाथ नदी के बाद का जो क्षेत्र है वो कहां पर आता है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप देखें तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ छुईखदान का जो क्षेत्र है, बेमेतरा जो जिला है, ठीक है, या मुंगेली जो जिला है, ये किसमें आते हैं, शिवनाथ पार के मैदान में आते हैं। और ये सभी जिले लगभग लगभग किसके हिस्से हैं, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के हिस्से हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, बिल्कुल सही हो जा रहा है। शिवनाथ पार का मैदान क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही, हमने देखा था पूरा छत्तीसगढ़ का 50% एरिया कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान पर है। छत्तीसगढ़ के तीन संभाग किसमें है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में है। तो सबसे बड़ा हिस्सा भी किसका है, छत्तीसगढ़ के मैदान का है, पूरा 50% हिस्सा है, है ना, 68064 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, तो एकमात्र छत्तीसगढ़ के मैदान का है। तीसरा, इस क्षेत्र में लाल पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। देखा था हमने अभी कि इस क्षेत्र में क्या है, लाल पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, चूना पत्थर की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। अब अभी मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी चूना पत्थर होगा तो चूने पत्थर की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो मिट्टी है उसकी भी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, ना कि क्या होगी, अम्लीय होगी। मतलब चौथा ऑप्शन क्या है आपका, सही है। अब चौथा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, चारों पॉइंट क्लियर है। शिवनाथ पार का मैदान क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोला, लाल पीली काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का पूरा जो मैदान है वो लाल पीली मिट्टी की अधिकता से भरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ के मैदान का जो पूर्वी सीमांत और पश्चिमी सीमांत वाला जो क्षेत्र है, इस पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, काली मिट्टी पाई जा रही है। चौथा क्या, चूना पत्थर की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति क्या हो गई है, अम्लीय हो गई। यही गलत है, चूना पत्थर की अधिकता है इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो वह क्षारीय है। समझ में आ गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया, ठीक है, कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन दिया है, मैकल पर्वत का पूर्व, मैकल पर्वत का पश्चिम, पूर्वी सीमांत क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। पहले मैं आपको वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में बता देता हूं, कुछ चीजें यहां पर मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहां पे, हालांकि जब हम वर्षा पढ़ेंगे तब इस चीज को हम चर्चा करेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, गौरेला पिंडा मरवाही से लेकर इधर पूरा खैरागढ़ छुई खदान तक का क्षेत्र, इसमें एक पर्वत का विस्तार है जिसका नाम है क्या, मैकल पर्वत। ठीक है, यहां पर कौन सा एक पर्वत है, तो यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, मैकल पर्वत है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपको, छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। मैकल पर्वत छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। ठीक, अब होता क्या है, जब वर्षा उठती है, ठीक है, हमारे यहाँ मैक्सिमम दो जो मानसून है उनसे वर्षा होती है। पहला क्या देखते हैं आप, बे ऑफ बंगाल से उठने वाली मानसून, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून, और दूसरा देखते हैं आप अरब सागर से उठने वाली मानसून। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बे ऑफ बंगाल जो है उससे उठने वाली मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन जो अरब सागर से उठने वाली मानसून है उसकी जो वर्षा है वो छत्तीसगढ़ तक क्यों नहीं पहुंचती, तो ये जो यहाँ से मानसूनी हवाएं उठती है वो क्या होती है, यहाँ छत्तीसगढ़ जब पहुंचती है तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में क्या है, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, मैकल पर्वत। इस मैकल पर्वत से टकराकर जो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, मैकल पर्वत से टकराकर जो छत्तीसगढ़ में अरब सागर से आने वाली जो मानसून है ये क्या नहीं कर पाती, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस मैकल पर्वत को पार करके इस मैकल पर्वत के पूर्व में क्या नहीं करा पाती, वर्षा नहीं करा पाती। ठीक है, और इससे टकराने के उपरांत यहाँ पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में क्या करती है, ये भारी वर्षा कराती है, भारी वर्षा
कराती है, ठीक है। पश्चिम में क्या कराती है, ये भारी वर्षा कराती है, लेकिन इस पर्वत को पार न कर पाने के कारण ये पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, रेन शेडो एरिया हो जाता है, ठीक है, या वृष्टि छाया क्षेत्र यहां पर निर्मित हो जाता है। तो इस मैकल पर्वत का पूर्वी भाग क्या होगा, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र होगा, ठीक है। कहां पर देख रहे हैं आप, तो पहले ही ऑप्शन में है, मैकल पर्वत का पूर्वी भाग क्या होगा, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। और मैकल पर्वत के पूर्वी भाग के अंतर्गत कौन कौन से आपके जिले आएंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा, मुंगेली है ना, कवर्धा, इसके अलावा खैरागढ़, श्री खदान, गंडई, बेमेतरा जो जिले हैं ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे पूछ ले तो मैकल पर्वत का पूर्वी भाग क्या होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र होगा, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर पर्वतों की स्थिति के कारण वर्षा सही से नहीं हो पाती, वैसा क्षेत्र क्या कहलाता है, रेन शेडो एरिया कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक प्रदेश एवं उनके चोटियों में सुमेलित नहीं है, ठीक है, जो प्राकृतिक प्रदेश है और उनकी जो चोटियां हैं उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला दिया है आपको पूर्वी बघेलखंड, देवगढ़ चोटी, दूसरा दिया है पूर्वी सीमांत भूमि, धारी डोंगर, तीसरा दिया है दंडकारण्य का पठार, नंदीराज, और चौथा दिया है पाट प्रदेश, बदरगढ़, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ चोटियों के बारे में। तो हमने देखा था कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है इसकी ऊंची चोटी क्या थी, तो देवगढ़ थी, ये बिल्कुल सही है ना। और इसकी हाइट कितनी थी, तो 1033 मीटर थी, ठीक है, 1033 मीटर। और ये कहाँ पर है, तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। कहाँ पर है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। दूसरा क्या है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब छत्तीसगढ़ का पठारी क्षेत्र जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत एक क्षेत्र है धारी डोंगर, जो कि क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो धारी डोंगर है इसकी हाइट है 899 मीटर, 899 मीटर क्या है इसकी हाइट है। और ये जो धारी डोंगर है ये महासमुंद जिले में है, कौन से जिले में है, महासमुंद जिले में है। तो जो दूसरा है ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धारी डोंगर है। तीसरा दंडकारण्य, दंडकारण्य की ऊंची चोटी क्या है, नंदीराज, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। और नंदीराज की हाइट कितनी है, तो 1210 मीटर है। और ये नंदीराज कहां पर है, तो ये है आपका दंतेवाड़ा में, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश की ऊंची चोटी क्या बदरगढ़ है, नहीं, अभी हमने देखा कि पाट प्रदेश की ऊंची चोटी क्या है आपकी, तो गौरलाटा है, ठीक है, क्या है, गौरलाटा है। और इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 1225 मीटर, गौरलाटा की हाइट कितनी, 1225 मीटर, ठीक है। और गौरलाटा किस जिले में, तो गौरलाटा है आपका बलरामपुर जिले में है, ठीक। गौरलाटा कौन से जिले में है, तो ये बलरामपुर जिले में है। और ये बदरगढ़ क्या है, तो बदरगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, क्या है, मैदान की ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ के मैदान की चोटी, ठीक है, सर्वाधिक ऊंची चोटी। हाइट कितना है इसका, तो 1176 मीटर है। कितना है हाइट बदरगढ़ का, तो 1176 मीटर इसकी हाइट है। और कहां पर है ये, तो ये है कवर्धा जिले में। किस जिले में है, कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले वालों कहाँ जाएंगे आप, बदरगढ़ चोटी जाएंगे, और वहां से फोटो लेकर क्या करेंगे आप, अपलोड करेंगे कि हाँ हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान के सबसे ऊंची चोटी पर अभी क्या है, उपस्थित है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, पाट प्रदेश बदरगढ़। पाट प्रदेश की ऊंची चोटी बदरगढ़ नहीं है, पाट प्रदेश की ऊंची चोटी क्या है, तो पाट प्रदेश की ऊंची चोटी है गौरलाटा। और कितनी है हाइट उसकी, 1225 मीटर, कहां पर, बलरामपुर में। और बदरगढ़ किसकी ऊंची चोटी, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंची चोटी। कितना है हाइट, 1176 मीटर, कौन से जिले में, कवर्धा जिले में। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, सॉरी अगले अपने क्वेश्चन की ओर। दंडकारण्य के पठार के विषय में सत्य कथन पहचानिए, दंडकारण्य के पठार के विषय में सत्य कथन पहचानिए, ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है, इसके दक्षिण पश्चिम में धोबीताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसके दक्षिण पश्चिम में धोबीताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है। दूसरा बोल रहा है, इस क्षेत्र में अभ्रक, कोरंडम, हीरा खनिज पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहा है, इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। और चौथा बोल रहा है, इस क्षेत्र में आर्कियन चट्टानें नहीं पाई जाती। जानना क्या है आपको, तो सत्य कथन जानना है, इनमें से कौन सा जो कथन है एक, वो क्या है, सत्य है। तो अब चर्चा करते हैं, आप
सोच लीजिए, विचार लीजिए और इसका आंसर लगा लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए। मैं एक एक करके फिर से ऑप्शन पर क्या कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। पहला क्या बोल रहे हैं, इसके दक्षिण पश्चिम में धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है। धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी दंडकारण्य के पठार का हिस्सा नहीं है, ये आप पहले ही जान लीजिए। ये जो धोबी ताल है और ये जो उम्रता पर्वत श्रेणी है ये दंडकारण्य के पठार का हिस्सा नहीं है। ये जो धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ठीक है। क्या है ये? पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। हाँ, ये जो चीज आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम में है। जो धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है ये कहां पर है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये आप नोट करके रखिएगा कहां पर, तो अपने पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले कॉलम में नोट करके रखिएगा कि इसके मतलब किसके पूर्वी बघेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम में कौन सी दो पर्वत श्रेणी है, तो धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी है। सीजीपीएससी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि वो आपको डायरेक्ट उठाएगा ही क्वेश्चन, पूछ देगा कि धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि हमको आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, हम ज्यादा कुछ इसमें क्या नहीं कर पाते, सोच विचार नहीं पाते। तो ध्यान में रखिएगा क्या, धोबी ताल और उम्रता पर्वत श्रेणी। बी दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में अभ्रक कोरंडम हीरा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अभ्रक कोरंडम और हीरा खनिज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, मैंने तो अभी आपको बताया था कि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है इसमें क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि इस क्षेत्र के अंतर्गत एकमात्र खनिज लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। प्रमुख खनिज के रूप में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन अभ्रक कोरंडम हीरा खनिज क्या है यहां पर पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और दो ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं, इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है, नहीं, इस क्षेत्र के अंतर्गत अबूझमाड़ है जहां पर अधिकतम वर्षा क्या होती है 187 सेंटीमीटर तक होती है, और इस क्षेत्र में आर्कियन चट्टाने नहीं पाई जाती। मैंने बताया था कि धारवाड़ जो चट्टाने हैं वो किसका ही एक स्वरूप है, तो आर्कियन चट्टानों का ही स्वरूप है, आर्कियन क्रम की ही चट्टाने हैं, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आर्कियन चट्टाने पाई जाती है। क्लियर है दंडकारण्य के पठार से संबंध में, ठीक, बढ़ते हैं, इसका आंसर लगा लिया, ठीक है। क्या है आपका, बी। अगला, दंडकारण्य के विषय में असत्य कथन पहचानना है। दंडकारण्य के विषय में आपको क्या करना है, असत्य कथन पहचानना है। पहला क्या बोल रहे हैं, इससे पहले सबसे पहले हमने वहां पर क्या देखा था, अभी हमने सत्य कथन पहचाना था, अब हमको यहां पर क्या करना है, असत्य कथन पहचानना है, मतलब गलत कथन को क्या करना है, अपने को पहचानना है। मतलब ये चीज क्लियर हो गया आपको कि इन चार ऑप्शनों में से जो तीन ऑप्शन है वो दंडकारण्य के विषय में क्या होंगे, सही होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन क्या होगा यहां पर गलत होगा। देखते हैं, पहले ए, संपूर्ण प्रदेश का 28.9% हिस्सा क्या है, दंडकारण्य का है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्रफल है, उसका 28.9% हिस्सा किसका है, दंडकारण्य का है, ये आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोटरी इंद्रावती नारंगी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, कोटरी इंद्रावती नारंगी इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप नहीं कहा जाता, और चौथा बोल रहा है यह चार आमा से कोंटा तक फैला है। लगा लिया आंसर आप लोग, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप गलत कथन यहां पे बिल्कुल छाट पाए होंगे। क्या बोल रहा है आपको, असत्य कथन क्या है, तो अभी हमने देखा, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल या इतना प्रतिशत कितना है, तो 28.91% है, ठीक है, ये प्रतिशत हो गया। और टोटल क्षेत्रफल कितना था, तो 39060 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या था, टोटल क्षेत्रफल था। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया आपका, ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है दंडकारण के विषय में जो कथन दिए हैं उसको, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, कोटरी इंद्रावती नारंगी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, बिल्कुल कोटरी इंद्रावती और नारंगी क्या है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। जब नदी वाला पार्ट हम देखेंगे तब आप देखेंगे इन तीनों नदियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, किस अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप नहीं कहा जाता, तो यही क्या हो रहा है आपको, गलत दिख रहा है, ठीक है। जो बस्तर का क्षेत्र है, यह संपूर्ण जो दंडकारण्य का पठार है, उसमें मैक्सिमम साल वन पाए जाते हैं,
ठीक है, जो केश काल की घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप बोलते हैं, या संपूर्ण बस्तर क्षेत्र को, बस्तर जिले को भी क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, और इसमें क्या कहा रहा है, इस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप नहीं कहा जाता, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हम जहरबड़ी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं साल वनों का द्वीप, हाँ बिल्कुल इसको कहा जाता है, हम क्या कर देंगे यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, यह चारामा से कोंटा तक फैला है, बिल्कुल इसकी जो लंबाई है वो चारामा मतलब कांकेर से लेकर कोंटा सुकमा तक क्या है, ये विस्तृत है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। गलत का मतलब दंडकारण के विषय में तो सही है, लेकिन अभी हमको क्या छाटना है, असत्य कथन छाटना है। तो इसके संबंध में मतलब दंडकारण के संबंध में अभी असत्य कथन कौन सा है, तो ये जो दंडकारण का क्षेत्र है ये साल वनों का द्वीप नहीं कहा जाता, ये गलत है, दंडकारण का क्षेत्र साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर है, चार चीजें और पता चल गई आपको दंडकारण के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। पंद्रह, दंडकारण क्षेत्र की प्रमुख हो गया, सही कर लेना, दंडकारण क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी एवं चट्टान कौन कौन से है। इसका आंसर आप दे देंगे, नहीं देंगे तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ही स्लाइड में मैं क्या किया है, इसके बारे में चर्चा मैंने किया है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, ऑप्शन धारवाड़ और लाल पीली मिट्टी, मतलब धारवाड़ चट्टान है और लाल पीली मिट्टी है। दूसरा बोल रहा है धारवाड़ चट्टान है और लाल रेतीली मिट्टी है। तीसरा बोल रहा है धारवाड़ चट्टान है और दोरसा मिट्टी है। चौथा बोल रहा है आर्कियन चट्टान है और लाल मिट्टी है। ठीक है, इन चार में से क्या जानना है आपको, कि कौन सा जो वर्ग है या कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित है दंडकारण्य के पठार की मिट्टी एवं चट्टान के बारे में। तो जस्ट हमने देखा था कि जो हमारा दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम धारवाड़ चट्टान है। ठीक है, कौन सा चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है। और धारवाड़ चट्टान के अलावा इस क्षेत्र के अंतर्गत, धारवाड़ चट्टान के अलावा इस क्षेत्र के अंतर्गत जो संपूर्ण बस्तर संभाग है आपका, उस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी, संपूर्ण बस्तर संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, लाल रेतीली मिट्टी पाई जा रही है। और लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी, पहली बड़ी मिट्टी है आपकी लाल पीली मिट्टी, और लाल रेतीली मिट्टी क्या है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली दूसरी बड़ी मिट्टी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंतर्गत जो दंतेवाड़ा और जो सुकमा जिला है, यहां पर लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। लेकिन जो दंडकारण्य का पठार है उसकी सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो लाल रेतीली मिट्टी है। तो धारवाड़ चट्टान है और क्या है, लाल रेतीली मिट्टी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा क्या, बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, धारवाड़ चट्टान और लाल रेतीली मिट्टी। आशा करता हूं आज के जो क्वेश्चन का संग्रह है वो आपको पसंद आया होगा और आज की वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी होगी। इसी के साथ मैं आज का जो अपना वीडियो है या आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त करता हूं। और जैसा कि आपको वादा किया गया है कि संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो आपको क्या किया जाएगा, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के द्वारा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन MCQ के माध्यम से डिटेल स्टडी आपको कराई जाएगी। उस क्रम में मिलूंगा मैं आपसे अपने नए वीडियो में अगले दिन, जो हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम क्या चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, कौन कौन से पहाड़ क्षेत्र हैं, कौन कौन से पठारीय क्षेत्र हैं, और छत्तीसगढ़ का जो मैदान क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक एक करके एक वीडियो हम पर्वत पर लेकर आते हैं, एक वीडियो पहाड़ और पठारों से लेकर आते हैं, और एक वीडियो में हम मैदानी क्षेत्र के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा भौगोलिक विषय वाला क्षेत्र है, ये जो भौगोलिक विषय वाला टॉपिक है, ये क्या होगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा और आपके लिए बहुत ही क्या होने वाला है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए, CGPSC परीक्षा की प्रारंभिक तैयारी के लिए। साथ ही व्यापम की अगर कोई भी एग्जाम आती है आने वाले समय में, उसमें भी क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ यहीं पे मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।